बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एक अलग स्पेशल डिशेज है। अभी आपको इतना खाया, आप लोगों ने अभी यहाँ का ओनर से मिलाने वाले हैं। तो हाय गाइस, वनकम वंदनम सुस्वागतम वेलकम टू राजास ब्लॉग। तो आज अपन किधर आए निकिता? यस, आज हम आए हैं रॉयल डाइन रेस्टोरेंट, और आज हम ये होटल, ये जो रेस्टोरेंट है उसे एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। और सबसे स्पेशल बात ये है, ये रेस्टोरेंट नया अभी ओपन हुआ है, और वो भी कहाँ ओपन हुआ है? हमारे घर के वहाँ पर ही, हमारे घर के पास, वॉकिंग डिस्टेंस। तो आज हम लोग चल के आए हैं, ना बाइक ना कार, वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहाँ का ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको मुगलाई हो गया, चाइनीज़ हो गया, इंडियन और बहुत से डिशेस मिलेंगे। बिकॉज़ हमारे यहाँ पे ऐसे और एक ही रेस्टोरेंट है, बट वो थोड़ा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू दिस रेस्टोरेंट। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलने वाला है एक अलग हटके चीज़, किड्स मील है, बच्चों के लिए यहाँ पे एक अलग काउंटर दिया है जहाँ वैरायटी है बच्चे लोगों के लिए भी। तो चलो हम अंदर से एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं ऐसा यहाँ पे क्या वैरायटीज है, और ये रेस्टोरेंट दूसरे रेस्टोरेंट से कैसे हटकर है। तो बने रहना साथ में। तो ये नॉर्मल सीटिंग है और फैमिली के लिए स्पेशल एसी अरेंजमेंट भी है। तो चलो हम देखते हैं एसी सेक्शन। आप लोग इंटीरियर देख सकते हो, बहुत ही डिफरेंट और एकदम अच्छा इंटीरियर किया है इन्होंने, अच्छा लग रहा है ना। और एनवायरनमेंट भी बहुत क्वाइट है। तो गाइस, आप लोगों ने इंटीरियर सब देखा, यहाँ पर एकदम मस्त है, ऑसम है, और पूरा पीवीसी है ना निकिता? हाँ। तो गाइस, अपना इसका बहुत सारा 10 ब्रांचेस है निकिता, पूरा मुंबई में 10 ब्रांचेस है, और उसका एक ब्रांचेस मेरे को पता है, उन्होंने अभी बोला है कि माहिम में रहमत होटल है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। और हम लोग एक 3-4 साल पहले है ना बर्थडे में गए थे शहर से, उधर का भी टेस्ट एक नंबर है, तो यही टेस्ट यहाँ पर रहेगा मेरे को ऐसा लग रहा है ना निकिता। तो बने रहना, अपन टेस्ट करके देखते हैं क्या है, कैसे है सब लोग। चलो तो गाइस देखिए, हम लोग के लिए कितना ढेर सारा डिशेस लाया है। हाँ। निकिता क्या क्या लाया है, बता इधर क्या क्या स्पेशल है, बता निकिता। वैसे भी जब भी खाना मेरे सामने होता है तो मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, है ना, लेकिन आज बात करना पड़ेगा, आज बात करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कैसा पता चलेगा ये होटल का स्पेशलिटीज क्या है। ये हमारे एरिया में नया ओपन हुआ है रॉयल डाइन फैमिली रेस्टोरेंट एंटोफिल कल्पक में। तो यहाँ का हर एक डिश स्पेशल है, तो आज हमारे सामने क्या क्या डिश है ये आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए, चाइनीज है, बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, फिर सूप है, नूडल्स है, यस, ये पनीर चिल्ली है, पहाड़ी टिक्का, नॉर्मल टिक्का, और फिर ये मलाई टिक्का हो गया, फिर तंदूरी है, पनीर तवा, और ये चिकन पैटिस, मसाला, यस, और यहाँ पर है नान, बटर नान, बटर नान, तंदूरी रोटी, और लच्छा पराठा, कुलचा, बटर कुलचा, बटर कुलचा, बटर कुलचा, और हाँ ये है रसमलाई पुडिंग। और बहुत से रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो उनके लिए एक अलग स्पेशल डिशेस है, जैसे कि हो गया बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, फिर ओरियो मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, और शोरमा भी है, और वहाँ पे भी शोरमा में भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे आपको मुगलाई, पंजाबी, इंडियन, चाइनीज, तंदूरी, वेज, नॉन वेज, चिकन, मटन, फिश, क्या चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा।
और ये इसका जो एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अगर आपको आपका कोई भी फंक्शन है, ओकेशन है, उसको और ज़्यादा स्पेशल बनाना है तो अपने पूरे फैमिली को लेके आ जाओ रॉयल डाइन फैमिली रेस्टोरेंट। तो अभी हम थोड़ा टेस्ट करेंगे, कैसा रहेगा टेस्ट देखते हैं। ऑब्वियसली टेस्ट अच्छा होगा, बहुत क्रेविंग हो रहा है, तो अभी हम लोग इस पे टूट पड़ते हैं, फिर आपको हम बताते हैं इसके आगे का। चलो तो गाइस, तंदूरी चिकन शुरू करते हैं। और ये है स्पेशल मलाई टिक्का। मस्त तो गाइस, ये है पनीर चिल्ली, है ना निकिता? पनीर चिल्ली वेज में भी है, वेज में भी इनके पास बहुत वैरायटीज है। और जैसे कि डॉक्टर ने हमें स्ट्रिक्ट वेज खाने से मना किया है, इसलिए हमने ज्यादा वेज मंगाया नहीं है। हम लोग प्योर नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए भी यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है, तो ऐसे आप लोग डेफिनेटली रिग्रेट नहीं करोगे, तो एक बार जरूर विजिट करना। चिकन बर्गर, वैसे मस्त है ना? अच्छा है, ये बहुत सॉफ्ट है, और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक इसके साथ पिएगा तो और मजा आएगा, है ना? ओरियो मिल्क शेक, हां सम पहाड़ी टिक्का, स्पाइसी है, फिर पुदीना और फिर कुतमिर, उसके पूरे फ्लेवर जैसा पता चल रहे हैं। राजा आपको ये बाकी रखना है? तो अच्छा है, जान रख देती हूँ राजा की। तो गाइस, मामा का डोंडो कोनिजीवा, तो अभी हम स्टार्ट करने वाला है, इसका मतलब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चाइनीज। तो ये चाइनीज चिकन फ्राइड राइस, अपना पुराना चाइनीज का जो याद है ना, वो ताजे हो रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग खाते थे चाइनीज, हाँ वैसा चाइनीज। नूडल्स, चिकन नूडल्स, हक्का नूडल्स, बहुत लोग चाउमीन भी बुलाते हैं। क्या बात है, चिकन सूप, मांग मांग मोन चाउ सूप, सर्दी के लिए बहुत अच्छे। और चाइनीज का स्टार्टर भी है, चाइनीज का स्टार्टर भी है, वो है पनीर चिल्ली, पनीर चिल्ली, चिकन चिल्ली भी है, आप मंगा सकते हो, नॉन वेज भी है। Awesome. तो ये है चिकन टिक्का, चटनी क्या मस्त है, तंदूरी भी अच्छा है, ऐसा नहीं, बट ये चटनी और अच्छा है। वो दिखने में देखो ना आपको ऐसा लग रहा है ये शेजवान है, और ये अपना हरा चटनी, नहीं नहीं चटनी बहुत अच्छी है, कुछ एकदम अलग टेस्ट है चटनी, बहुत अच्छा लगा, खा के देखो। तो गाइस अभी अपन खा रहे हैं चिकन बिरयानी, तो देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। इसमें बिरयानी में बहुत सारे वैरायटी है, है ना निकिता? मटन बिरयानी भी है, सब है। हां चिकन लेग पीस, कैसा लगा बिरयानी? एक नंबर बिरयानी है भाई, मतलब इनका चाइनीज भी बेस्ट है और मुगलाई बिरयानी सब बेस्ट है। मेरे को खुद को रुकने नहीं हो रहा है, खाने का इतना मन कर रहा है मेरे। तो अभी हमारे सामने है तवा पनीर और चिकन पैटिस मसाला, उसके साथ बहुत से वैरायटीज है रोटी के, जैसे कि बटर नान, तंदूरी रोटी और बटर कुलचा। तो अभी हम टेस्ट करते हैं
क्या राजा क्या पहले टेस्ट करो, चिकन पैटीज मसाला या पनीर तवा? ये अपन पहले टाइम खा रहे हैं, ये टेस्ट तो बीच में कुछ तो है, दिखा देती हूँ। प्रेजेंटेशन, हाँ ओके मैं बताती हूँ। एक्चुअली ये क्या है ना, आप देख सकते हैं, एग है ना, एग बैदे का ना, कैसे बोलते हैं पोटला, है ना ऐसे ही बोलते ना, बैदे का ना एक पोटला बनाया, उसके अंदर एक ग्रेवी है लाल कलर का और बाहर है ग्रीन कलर का ग्रेवी। तो हम पहले अंदर का ग्रेवी हमने लिया है और मैंने लिया है बटर कुलचा। बेस्ट अभी ग्रीन ग्रेवी और अब बोनलेस चिकन है। बेस्ट पनीर तवा इसमें देखो ढेर सारा शिमला मिर्ची ऑनियन और पनीर के देखो टुकड़े तो सब ले। मुझे पता है बहुत लोगों की मुझसे पानी आता होगा, ऐसा क्रेविंग्स होता रहेगा, सकते हो आ जाओ रॉयल डाइन फैमिली रेस्टोरेंट। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एक बार ज़रूर विज़िट कर लो। तो गाइस इतना खाने के बाद उसके बाद डेसर्ट होना तो चाहिए, है क्या नहीं डेसर्ट खाने का ना? तो ये है रस मलाई पुडिंग, पहले टाइम सुना है रस मलाई पुडिंग, तो खा के देखते हैं। रस मलाई अलग से खाया है, पुडिंग अलग से खाया, दोनों मिक्स खा के। हाँ 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 क्या बात है, क्या बात है, ये तो दोनों मिक्स में क्या मजा आ रहा है। रस मलाई इधर है, पुडिंग इधर है, बस दोनों दोनों मिक्स करके तुम्हारे मुंह के अंदर, ये तुम्हारे पेट में, पेट में तो बहुत कुछ है। आज का दिन कैसा था? दम आज का दिन बहुत टेस्टी था। तो गाइस अभी आपको इतना खाया हम लोगों ने, अभी यहाँ का ओनर से मिलाने वाले हैं। तो ये यहाँ के ओनर, आपका नाम सर? रशीद भाई है यहाँ के ओनर, इनको मैं बहुत पहले से भी जानता हूँ। इनका रहमत जो होटल है माहिम के तरफ, मेरे को तो बहुत मेरा फेवरेट होटल है और वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने खोल दिया है। और ये यहाँ पर बहुत सारा वैरायटी भी चालू करने वाले, ग्रिल चिकन में, शोरमा में भी बहुत वैरायटी करने वाले हैं। तो सर ऑल द बेस्ट, ऐसे ही बढ़ेगा, आगे जाते रहो और आपका टॉप होगा एकदम होटल, अपना यही दरखास्त है। तो गाइस जो भी है अपने यहाँ पर अपने एरिया में ये आके खाने का, ओके। तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, किसके लिए? खाने के लिए, अच्छा खाने के लिए। तो एंड ऑफ द डे अगर हमको वो अच्छा खाना मिला नहीं तो हमको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं लगता है। बट आज हमको वो टेस्टी खाना, वो ऐसा सेटिस्फैक्शन जैसा खाना आज हमको एट लास्ट मिल गया आज के दिन के लिए रॉयल डाइन में। तो एक बार ज़रूर विज़िट करना, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा क्वालिटी है और हमारे एरिया में ऐसा रेस्टोरेंट और पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत रीजनेबल प्राइस के साथ हमारे एरिया में ओपन हुआ है। एरिया वाले लोग ही आके खाने का, ऐसा नहीं है कि दूर से जो लोग आ रहे हैं ना उनके लिए भी फायदा मंद है, इधर आके वो टेस्ट मिलेगा आपको। देखो जो चाहिए आपको क्वालिटी टेस्ट तो बहुत जगह में मिल जाएगा आपको, बट वो जो प्राइस बोलते है ना पॉकेट फ्रेंडली, वो बहुत कम रेस्टोरेंट में मिलेगा। तो ये एक वैसा रेस्टोरेंट है, मैं आपको दावा कर सकती हूँ। आप एक बार विजिट कीजिए, इनके मेन्यू कार्ड को देखिए, अगर आपको लगता है वाकई में इनका प्राइस बहुत रीजनेबल है फिर टेस्ट कीजिए, आपको लग रहा है अच्छा है तो फिर आप लोग ऑब्वियसली बार बार विजिट करोगे। तो मेरे को ये आप वादा करो, ये क्रिसमस से लेके न्यू ईयर आप यहाँ पर आके धमाल करो हम लोग के नाम से, क्या बोलते हैं? Yes.
तो बने रहना और थैंक यू, है ना। हाँ, और ऐसे ही हम कहते हैं ना, नए नए ब्लॉग्स बताए गए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, रेस्टोरेंट्स हो गए और बहुत सी चीज़ों के बारे में और हमारे लाइफ के बारे में भी। तो जल्दी 20K कर देना, होप सो न्यू ईयर तक आप हमको ये गुड न्यूज़ दे दोगे। और तरनी में इधरा तरनीपुरनी इधरा आप लोगों को कैसा लगा बर्गर सब? बर्गर कैसा लगा? बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, मिल्क शेक, और देखो उन्होंने आइसक्रीम भी दिए, देखो मैंगो आइसक्रीम है शायद। तो गाइस, इस चीज के लिए लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब बनता ही है, कमेंट और शेयर। इतना हम लोग मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, है ना राजा? बराबर, आप लोगों के प्यार के लिए। तो थोड़ा सा एक ऐसा एक लाइक, एक सब्सक्राइब, तो और एडवांस आप लोग के लिए हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, मेरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। उसके पहले और दो तीन लोग आएगा। गाइस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।